साथियों, जो कांग्रेस मोदी के विरोध में राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता तक को दांव पर लगा सकती है, उसकी बातों को लोग कैसे गंभीरता से लेंगे? आप खुद सोचिए, भारत पहली बार पाकिस्तान में जाकर के आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करता है। और ये कांग्रेस कह रही है सबूत दो, सबूत दो। आपको देश की सेना पर भरोसा है कि नहीं है? हमारी वीरता पर भरोसा है कि नहीं है? हमारे जवान पराक्रम कर सकते हैं, इस बात में आपको भरोसा है कि नहीं है? आपको है, कांग्रेस वालों को नहीं है। जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान दुनिया में फैलाना चाहता है, ये कांग्रेस के नेता उसी को बोल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में दो प्रधानमंत्री होने चाहिए, एक दिल्ली में और एक जम्मू कश्मीर में। यहां तक कि कांग्रेस का जो ढकोसला पत्र है, वो भारत का कम पाकिस्तान का भौंपू ज्यादा लगता है। साथियों, कांग्रेस ने कहा कि धारा 300 पर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। वहां पाकिस्तान की सरकार ने वही बात दोहरा दी। ये कैसा गठबंधन है, ये कैसी मिलावट है? साथियों, नेताजी के साथ मिलकर के जिन्होंने मोइरांग में पहली बार तिरंगा फहराया, ऐसा मणिपुर क्या कभी कांग्रेस को माफ करेगा? क्या कभी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं? क्या आप कांग्रेस को सजा देंगे कि नहीं देंगे?